इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अल्फा और बीटा आपको रूट गिवन है इस इक्वेशन के, कौन से इक्वेशन के? एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसके दो रूट गिवन है आपके पास, एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है। तो सर इनका करना क्या है, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, यहाँ थोड़ा सा बेटा माइनस टू है, पावर माइनस टू है, इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करवा देता हूँ। ये जो आपका माइनस है ये यहाँ लगाइएगा, माइनस टू है, ये माइनस का टू है, माइनस का टू है, होल पावर माइनस टू है, इसको उठा दीजिएगा, होल पावर माइनस के टू है, ठीक है भाई। हाँ जैसे ये माइनस के टू है, ओके। तो सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हमें गिवन है अल्फा और बीटा, तो हमसे जो बातें पूछी गई हैं वो किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे? हाँ कोई बात नहीं है, हम टेंथ क्लास की एक बात याद रखते हैं, टेंथ क्लास की बात ये होती है कि सम ऑफ रूट क्या होता है हमारा, सम ऑफ रूट होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए, और यहाँ भी माइनस का बी बाई ए है, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है आपका सी बाई ए। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं, इसमें हमें पूछा है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, बताइएगा। 13 वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा, और 11th वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, 12th वाले बच्चों को ये आना चाहिए। तो सारे बच्चे एक साथ हैं तो मुझे नाम तो तीनों का ही लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं है बच्चे। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यूब होता क्या है ये देखिएगा आप तो, और इसको किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। हाँ अल्फा प्लस बीटा का क्यूब कर सकते हैं, इसको खोलेंगे तो माइनस थ्री अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। हाँ जी क्लियर है सारे बच्चों को? हाँ जी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने एल्जेब्रिक फॉर्मूले से ओपन किया है इसको, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। जो वैल्यू हमारे पास हमने निकाली है वो रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब हुआ माइनस का बी बाई ए का क्यूब माइनस थ्री अल्फा इंटू बीटा का मतलब हुआ सी बाई ए, और ये हो गया माइनस का बी बाई ए। थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको सोल्व करेंगे तो बहुत आसान तरीके से ये बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है बच्चे सबने बना दिया है तो। मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप आंसर बताते रहिएगा। हाँ जी मैं आंसर लिख रहा हूँ, थ्री ए बी सी माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ये आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, अगर आपका बन गया है तो बताइएगा। हाँ जी सारे बच्चों का अगर ये बन गया है तो बताइएगा भाई, सबका बन गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बनने के बाद इरेज करूंगा इस फर्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड में मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, सेकंड में मुझे आपको थोड़ा सा दिखाना है। हाँ जी करें आगे, चलो बहुत अच्छी बात है, जिनका फर्स्ट बन गया है ओके। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, मेरे पास जो बातें हैं वो मैं रखना चाहूँगा। हाँ जी अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वो बात मेरे को आप आराम से बताइएगा, शांति से बताइएगा। अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो क्या मैं इसमें अल्फा और बीटा पुट कर सकता हूँ? अगर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, और ये गिवन भी हमारे पास है कि अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ रख रहा हूँ आपके सामने, ऐसा सुनिएगा, अगर अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं अल्फा इसमें एग्जिस्ट करवाऊंगा, और वो किस तरीके से अल्फा एग्जिस्ट करवाऊंगा वो देखिएगा। ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो। हाँ जी
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का एक रूट अल्फा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, अच्छा दूसरा रूट बीटा है तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो। ध्यान से सुनिएगा, मैं आसान तरीके से आपको खेल खेलना सिखा रहा हूँ। हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, अच्छा मैं सी को जीरो के उधर लेके जाऊँगा तो क्या नज़र आएगा आपके पास, आपको नज़र आएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा इक्वल टू माइनस का सी। अच्छा जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बचा है उसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, सारे बच्चे बोलेंगे अगर कॉमन ले सकते हैं तो क्या कॉमन ले सकते हैं, मैं कर रहा हूँ इसमें से अल्फा कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं अल्फा कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचेगा ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस का सी, और इस अल्फा को मैं राइट साइड भेजूँगा तो मेरे पास बचेगा ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू माइनस का सी बाई अल्फा। ऑल राइट, हाँ जी बस मुझे यहाँ तक है, जिन बच्चों के समझ में नहीं आएगा सेकेंड एक्सरसाइज में ध्यान रखिएगा, इस एक्सरसाइज में भी हम ऐसे ही करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं सी को राइट साइड भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा इक्वल टू माइनस सी, सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही करूँगा, फिर राइट साइड में लेफ्ट साइड में कॉमन निकालूंगा बीटा कॉमन आ जाएगा तो यह हो जाएगा ए बीटा प्लस बी इक्व टू माइनस का सी, और इसको सोल्व करूंगा तो ए बीटा प्लस बी इक्व टू माइनस का सी बाई बीटा आ गया है। बस हमारा काम हो गया है जितना हमें चाहिए था। हाँ जी एक बार देख लीजिएगा, हाँ ये आ गया है इज ऑल राइट। अगर ये सर आ गया है तो इसका काम क्या है, बस अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम सेकंड। सर अच्छा सेकंड इक्वेशन में हम रखेंगे, हाँ रखेंगे बिल्कुल रखेंगे। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ए अल्फा प्लस बी का होल पावर माइनस टू, माइनस टू का मतलब वन अपॉन में है तो इसकी जगह मैं सर ये रख सकता हूँ, रख सकते हो। अच्छा तो ये हो जाएगा सी बाई अल्फा का पावर माइनस का टू प्लस माइनस का सी बाई बीटा की पावर माइनस का टू। ऑल राइट, अच्छा इसको हम सोल्व करेंगे तो माइनस टू सर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बाई सी का होल स्क्वायर प्लस बीटा बाई सी का होल स्क्वायर। हाँ अब हो गया है सर, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हाँ जी मैंने ओपन कर दिया है इसको, क्लियर है सारी बातें सारे बच्चों को, अगर क्लियर है तो हम आगे करते हैं इसको। हाँ जी अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकते हो, अच्छा आप ये लिख सकते हो क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और यहां लिख सकते हो माइनस का टू अल्फा बीटा, और नीचे लिख सकते हो आप सी स्क्वायर। ओके अब इसको रखोगे तो अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस का बी बाई ए का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है आपको, माइनस का टू सी बाई ए अपॉन सी क्यूब। क्लियर है सारे बच्चों को, हाँ जी अगर ये सारी बातें क्लियर है तो थोड़ा सा इसको हम सॉरी बस इतना सा ही हमें चेंज करना था, ये क्लियर है तो यहाँ हम वैल्यू रख के इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा ये मुझे नज़र आ रहा है वो देखिएगा माइनस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए सी अपॉन सी क्यूब। सी स्क्वायर है भैया, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है
ये आपका आंसर आ गया है, ये आपका आंसर आ गया है।